अश्विनी कामत, मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चिकन मंचूरियन। ये होटल स्टाइल का दिखाऊंगी आपको, आप घर में ही बना के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है घर में ही बनाने से, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आपको बनाना कैसे है बताती हूँ। अभी उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वो बताती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने चिकन पीसेस लिया है, ऐसे चौक चौक कट कर लिया है। ये देखिए, ऐसे चौक चौक कट कर लिया है, आप लंबा भी कट कर सकते हैं। ये 150 ग्राम्स लिया है मैंने, देखिए चौक चौक ऐसे कट कर लिया है, आप लंबा भी कट कर सकते हैं। ये 150 ग्राम्स चिकन लिया है, बोनलेस लिया है मैंने। ये है ऑनियन पीसेस, एक बाउल ऑनियन पीसेस बारीक कट किया हुआ। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट एक 2 से 3 टीस्पून लिया है। ये है ग्रीन चिलीज, एक 3 से 4 ग्रीन चिलीज चॉप्ड किया हुआ, आप तीखा कम चाहिए तो कम डालिए। ये देखिए टोमेटो केचप लिया है मैंने, हाफ बाउल टोमेटो केचप लिया है। आप टोमेटो सॉस आपके पास है तो, अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये है गार्लिक पीसेस कट किया हुआ, ये छिलका वाला लिया है मैंने, आप छिलका निकाल के भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा लिया है मैंने, एक 3 टीस्पून लिया है कट किया हुआ। ये है चिल्ली पाउडर, ये देखिए चिल्ली पाउडर, ये मैंने 4 टीस्पून लिया है, आप तीखा कम चाहिए तो कम डालिए, देख के डालिए। ये है कॉर्नफ्लोर और मैदा, कॉर्नफ्लोर एक 2 टेबलस्पून और मैदा 2 टेबलस्पून लिया है, ये बाइंडिंग के लिए उतना ही लेना है आपको। ये देखिए, नेक्स्ट मैंने यहाँ पेपर पाउडर लिया है, क्रश्ड लिया है, आप पेपर पाउडर है तो पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, थोड़ा क्रश किया हुआ लिया है मैंने। ये 4 टीस्पून लिया है मैंने। ये है कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड बारीक कट किया हुआ, आपके पास ऑनियन रिंग्स हैं तो वो भी ले सकते हैं, ऑनियन रिंग्स। ये देखिए सोया सॉस लिया है मैंने, सोया सॉस एक 2 से 3 टीस्पून लिया है मैंने। अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी चिकन पीस जो हमने बाउल में लिया था, देखिए इसमें आपको फर्स्ट स्वादानुसार नमक डालना है। फिर इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर डालिए, थोड़ा रखिए, ये देखिए थोड़ा सा पेपर पाउडर, और इसमें से थोड़ा सा ऐसे देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा लिया है इसमें मैंने, थोड़ा सा ग्रेवी ये सॉस के लिए रखिए, जो हम सॉस बनाने वाले हैं उसके लिए। फिर इसमें चिल्ली पाउडर थोड़ा सा ऐड कीजिए, फिर ये हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें जो मैदा हमने और कॉर्नफ्लोर लिया था बाइंडिंग के लिए, वो थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैदा, ज़्यादा भी मत डालिए, थोड़ा सा डालिए, ये बाइंडिंग के लिए उतना ही चाहिए आपको। ये देखिए, फिर इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है। अभी ये देखिए इतना ही डालना है मैदा और कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा भी मत डालिए, ये तलने के लिए, अभी तलना है इसे, डीप फ्राई करना है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड किया था। ये देखिए इतना बस हमारा, ये देखिए चिकन ऐसे मिक्स हो गया है, अभी इसे डीप फ्राई करना है आपको। ये देखिए हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट स्टेप
बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक अभी कढ़ाई लिया है, एक छोटा सा कढ़ाई लिया है, उसमें तेल डाला है, गरम कर लिया है। उसमें अभी चिकन पीसेस जो हमने मिक्स करके रखा था, मैदा और कॉर्नफ्लोर, वो ऐसे एक एक करके डाल के आपको डीप फ्राई करना है। ये देखिए, ये सब ऐसे डीप फ्राई करके निकाल लीजिए। जैसे आप पकौड़ा तलते हैं वैसे ही, कबाब जब कबाब तलते हैं वैसे ही सब तल के निकालना है। ये देखिए, ऐसे ही एक एक करके डाल दीजिए। ऐसा डीप फ्राई करना है आपको। थोड़ा सा लाइट ब्राउन होते ही निकाल देना है आपको। दोनों साइड ऐसे अच्छी तरह से कर लीजिए। ये देखिए, आप चाहिए तो लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। मैंने चौक चौक कट कर लिया है। कैसे शेप चाहिए आप बना सकते हैं। ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। घर में बना के आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। ये स्टार्टर के टाइप, स्टार्टर आप पार्टी है तो स्टार्टर भी बना सकते हैं। मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है। देखिए, ज़्यादा भी मत मैदा और कॉर्नफ्लोर मत डालिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालना है। बाइंडिंग के लिए उतना ही डालना है। देखिए अभी तल के हो रहा है हमारा। ये देखिए, ऐसे देखिए, ये देखिए हो गया हमारा तल के। देखिए ऐसे आवाज़ आते ही ऐसे आवाज़ आएगा तल के हुआ तो। ये देखिए हमारा डीप फ्राई हो गया है। अभी ये ऐसे सब निकाल लीजिए, ऐसे तेल से निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने और एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में तेल डाला है थोड़ा, 1 टेबल स्पून। अभी सॉस बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक जो हमने लिया था वो डालना है आपको। चॉप्ड गार्लिक डालते ही ऑनियन पीसेस जो हमने लिया था वो डालना है आपको। ये देखिए ऑनियन पीसेस, ये थोड़ा सा फ्राई करना है। हाई फ्लेम में ही कीजिए, फुल हाई फ्लेम में करना है आपको। ये देखिए फिर इसमें ग्रीन चिली जो हमने लिया था वो डालिए, देख के डालिए। आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालिए। ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी मत कीजिए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होते ही होने तक उतना ही फ्राई कीजिए। ये देखिए अभी इतना फ्राई होते ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने लिया था, बचा हुआ था जो, वो लेना है। ये भी डाल के फ्राई कर लीजिए। फिर इसके बाद पेपर कोट डालना है आपको। ये देखिए पेपर पाउडर डालते ही थोड़ा सा इसमें आपको स्वादानुसार नमक डालिए। थोड़ा सा, थोड़ा डालिए क्योंकि सॉस में रहता है नमक। थोड़ा डालिए फिर थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फिर इसमें चिली पाउडर जो हमने लिया था वो डालिए। तीखा ज़्यादा बना सकते हैं, कम बना सकते हैं, आपको कैसे अच्छा लगता है वैसे बना सकते हैं आप। देखिए चिली पाउडर डाल के थोड़ा सा फ्राई कीजिए। ये थोड़ा सा चिली
पोर्क फ्राई होते ही इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, ये देखिए जैसे थोड़ा सा पानी डालना है आपको। ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ सॉस, आप ये बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आप ये सॉस गोभी मंचूरियन करते वक्त भी ले सकते हैं, गोभी मंचूरियन के लिए भी यही सॉस सेम है। आप गोभी मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, सेम चिकन हम कैसे डीप फ्राई, चिकन कैसे हमने डीप फ्राई किया है वैसे ही पनीर डीप फ्राई करना है आपको सेम मैरिनेट करके, और गोभी मंचूरी भी सेम वैसे ही करना है, चिकन मंचूरी, पनीर मंचूरी, गोभी मंचूरियन और बेबी कॉर्न मंचूरियन सब सेम है। ये देखिए, फिर टोमेटो केचप जो हमने लिया था वो डालना है आपको, ये सब थोड़ा ज़्यादा ही बनाया मैंने सॉस, ये डालना है। फिर इसमें सोया सॉस थोड़ा सा जो हमने लिया था वो ऐड करना है, ये देखिए। फिर इसमें थोड़ा सा कोथिंबीर डाल दीजिए, ये देखिए, ये देखिए हमारा सॉस, मंचूरियन सॉस बोलते हैं इसे, मंचूरियन सॉस रेडी हो गया, मंचूरियन सॉस। ये देखिए, आप इसमें पनीर मंचूरियन, कौन सा भी मंचूरियन बना सकते हैं, सॉस रेडी है तो कौन सा भी आप बना के खा सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए, हो गया है हमारा सॉस रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी एक कढ़ाई लिया है, उसमें अभी मंचूरियन कैसे बनाते हैं बताती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, ये गर्म होते ही गार्लिक जो पिसक लिया था हमने वो डालना है आपको। ये देखिए, गार्लिक प्लीज पिसक ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए। ब्राउन होते ही इसमें आपको हमने जो सॉस बनाया था थोड़ा सा सॉस में डाल दीजिए। फिर इसमें जो हमने ऐसे चिकन का पीसेस ऐसे तल के रखा था वो डालना है आपको। देखिए, अब कितना सॉसी चाहिए तो सॉसी बनानी है, ड्राई चाहिए तो ड्राई बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये अभी बड़ा हाई फ्लेम कर दीजिए और ऐसे ऐसे मिक्स करते ही जाइए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा मंचूरियन रेडी हो गया है। अभी इसमें कोथिंबीर जो हमने लिया था वो डालना है आपको। ये अभी हमारा मंचूरियन रेडी हो गया है। सॉस चाहिए तो और चाहिए तो और डालिए। ये देखिए, थोड़ा सॉसी चाहिए तो सॉसी बनाइए, ड्राई चाहिए तो ड्राई बनाइए। देखिए हमारा मंचूरियन रेडी हो गया है। अभी प्लेटिंग दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमारा चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामस वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक अवर वीडियोस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।